हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पोसालिया समीपवर्ती पालरी एम में पुलिस थाना पालरी एम में आज सीएलजी की बैठक में छाया पशु एम्बुलेंस का मुद्दा समीपवर्ती पालरी एम पूर्व पंचायत समिति सदस्य ओम श्री गजानन सेवा मंडल के अध्यक्ष मंगल कुमार मीना ने पालरी एम सीएलजी की बैठक में पशु एम्बुलेंस मुहैया करवाने की मांग रखी गई। उन्होंने बताया कि पालरी एम स्थानीय थाना अधिकारी माया पंडित व तहसीलदार रणछोड़ लाल समक्ष पशु एम्बुलेंस की मांग रखते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में पशु रोजाना काल का ग्रास बनते हैं, जिम्मेदार आंखें बंद करके बैठे हैं। घायल पशुओं को सुरक्षित थाना पर भेजने के लिए टोल प्रशासन के पास कोई सुविधा नहीं है। सड़क के किनारे दोनों तरफ लोहे की जाली की व्यवस्था ना होने के कारण पशु अधिकांश संख्या में सड़क पर विचरण करने लगे हैं। ऐसे में हादसे बढ़ रहे हैं। जब पशुओं की दुर्घटनाएं होती हैं, हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ निजी वाहन के माध्यम से स्वयं किराए की व्यवस्था कर घायलों को गौशाला पशु चिकित्सालय लाकर इलाज उपचार करवाते हैं। लंबे समय की मांग के बावजूद भी अभी तक टोल प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। पालरी में महिला अधिकारी है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को उम्मीद जगी है कि इस बार टोल प्रशासन पर दबाव बनेगा, ये मांग उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगी और टोल प्रशासन केंद्र सरकार से वार्तालाप कर पशु एम्बुलेंस मुहैया करवाने में कामयाबी हासिल कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। कुछ हफ्ते पहले स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट टोल अधिकारियों के समक्ष मांग रखी गई, वहीं टोल प्रशासन की कमियों से अवगत करवाया गया था। इस दौरान ओम श्री गजानन सेवा मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।